हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बालानगर हैदराबाद से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि इसरो के अंतर्गत आता है, उसकी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टेम्पोररी रिसर्च पर्सनल की एक लिंक मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से डिटेल्स को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ से डिटेल्स को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। डिटेल्स मैंने डाउनलोड कर लिया है, देख लेते हैं क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर NRSC RMT 1-2023 दिया गया है। एंड ये वैकेंसी टेम्प्रोरी पोजिशंस के लिए है, जो कि कुछ प्रोजेक्ट है उसमें आपको ये वैकेंसी फिल की जा रही है। तो यहाँ पर JRF के लिए लगभग 20 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं, अलग अलग परियोजनाओं में, अलग अलग प्रोजेक्ट में ये वैकेंसी है। तो यहाँ से आप परियोजना का नाम देख सकते हैं, NHP यानी कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी सॉयल वेजिटेशन एटमॉस्फेयर फ्लक्स स्टडी इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ इंडिया के लिए। तो अलग अलग परियोजनाओं में ये वैकेंसी यहाँ पर दी गई, डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में अगर आपके पास MA MTech रिमोट सेंसिंग में, GIS में रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, जियो सबटाइल टेक्नोलॉजी, सबटाइल इन्फॉर्मेशन में है, या BE BTech सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, तो आप इन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास MSc बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स में, BSc लाइफ साइंस या फिजिक्स में है, तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास MA MTech रिमोट सेंसिंग में है, या आपके पास MTech रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन्फॉर्मेटिक्स के साथ में MSc एग्रीकल्चर में है, या BSc एग्रीकल्चर में है, या MTech रिमोट सेंसिंग में है, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में है, MSc फिजिक्स में है, MSc रिमोट सेंसिंग में है, या MSc एग्रीकल्चर में है, MSc इन्वायरमेंटल साइंस में, एग्रोनॉमी में है, तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास MSc एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस के साथ में BSc है, तो अप्लाई कर सकते हैं। BSc फिजिक्स में है, मेट्रोलॉजी में, एटमॉस्फेरिक साइंस में है, किसी भी डिसिप्लिन में भी BTech है, साथ ही आपके पास एटमॉस्फेरिक साइंस में MSc है, MTech है, तो अप्लाई कर सकते हैं। या फ्रेंड्स, आपके पास MSc ओशनग्राफी में, मरीन बायोलॉजी, मरीन साइंस में है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड MSc आपके पास एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी, अर्थ साइंस, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट के लिए 4 वैकेंसी है, यह भी NHP के लिए है। अगर आपके पास MA MTech सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में है, साथ ही BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 6 वैकेंसी है, अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रोजेक्ट का नाम है। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपके पास BE BTech, MSc रिमोट सेंसिंग, GIS रिमोट सेंसिंग एंड GIS, इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, जियो सबटाइल टेक्नोलॉजी, सबटाइल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट में भी यहाँ पर अगर आपके पास BE BTech कंप्यूटर साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड या यहाँ पर 3 वैकेंसी पर्सनल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए है, MSc MTech जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो फिजिक्स में है, तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग NRSC सेंटर, अर्थ स्टेशन, शादनगर कैंपस, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद में ही रहने वाली है। एंड स्टाइपेंड की बात करें तो
JRF के लिए यहाँ पर 31,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो SRF के केस में 35,000 हो जाएगा। एंड रिसर्च साइंटिस्ट के केस में लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी, रिसर्च एसोसिएट को 31,000 पर मंथ यहाँ पर मिलेगा। एंड परियोजना सहायक यानी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 56,000 पर मंथ प्लस HRA आपको दिया जाएगा। एंड जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, उनका ME, MTech, BSc या उसके इक्विवेलेंट डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर लेवल पे होना चाहिए। अगर BE, BTech, MSc है तो आपको 65% मार्क्स कम से कम होना चाहिए आपका। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर JRF के लिए 28 ईयर दी गई है, RS के लिए 30 ईयर है, PA के लिए 35 एंड PS के लिए भी 35 ईयर एज दी गई है। एज रिलैक्शन एक रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से यहाँ पर फॉलो रहने वाला है। 7 अप्रैल 2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, दिन उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड आपका यहाँ पर टेम्पररी बेस पे वैकेंसी फिल की जा रही, 1 ईयर का आपको कम से कम यहाँ पर टेन्योर रहने वाला है। ऑनलाइन अप्लाई कर देख लेते हैं कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट का एक लिंक यहाँ पर दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक ये दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक नए इंटरफेस पर ओपन होके आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको साइनअप पर क्लिक करना होगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड पासवर्ड को रीटाइप करके मोबाइल नंबर फिलअप करके आपको OTP आएगा, OTP को आपको मेंशन करके साइनअप पर क्लिक कर लेना। इस तरह से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर लॉगिन में ईमेल आईडी, पासवर्ड और OTP के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।